बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बर्ड्स पर यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज ये वीडियो भी हमारे काले तितर के बारे में होगी। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको काले तितर की बुलाई की एक कुदरती खुराक बताऊँगा, कुदरती एक जड़ी बूटी बताऊँगा, जिसको आप इस्तेमाल करते हुए काले तितर की बुलाई में काफ़ी हद तक उसमें बेहतरी ला सकते हैं। सिर्फ आपने वो सिंपल वही जो बूटी होगी वो आपने अपने तितर को खिलानी है, तो इससे आपकी तितर की जो बुलाई होगी उसमें इंशाल्लाह बहुत काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा हो जाएगा। अगर आपका तितर जो है वो नॉर्मल एक से दो आवाज़ें लगाता है या तीन लगाता है, तो उससे आपका तितर जो है वो तकरीबन आठ नौ आवाज़ें लगाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी और बसानी पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि तितर की बुलाई का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है, तो बहुत से दोस्त चाहते हैं कि उनका तितर जो है वो बहुत अच्छी तरह बोले। काफ़ी दोस्तों के तितर जो है वो अच्छे बोलते हैं, लेकिन काफ़ी जो दोस्त होते हैं उनके तितर जो है वो कम बोलते हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि कोई ऐसी खुराक वगैरह कोई ऐसा नुस्खा मिले जिससे उनका तितर भी ज़्यादा आवाज़ें लगाएँ। तो दोस्तों, ये कुदरती खुराक है, एक छोटी सी जड़ी बूटी है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। इससे पहले भी मैं आपको बुलाई के दो तीन नुस्खे जो है बता चुका हूँ, वो भी काफ़ी अच्छे नुस्खे हैं। तो वो भी अगर आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उससे भी आपका तितर जो है वो बहुत ज़्यादा बोलेगा। वो भी नुस्खे मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हैं दोस्तों, अगर आपने नहीं देखे तो वो भी आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम क्या है, जड़ी बूटी कौन सी है। दोस्तों, आपको लूसन का पता होगा, जो आप जो ज़्यादातर लोग जो हैं ये अपने जानवरों को खिलाते हैं। ये आपको आसानी से जहाँ से आपको पट्टे वगैरह मिलते हैं वहाँ से आपको लूसन जो है मिल जाएगा। छोटे छोटे पत्ते होते हैं दोस्तों उसके भी, तो वो लूसन आपने ले लेना है दोस्तों। वो आपने पत्ते जो होंगे वो आपने छोटे छोटे काट लेने हैं या तोड़ लेने हैं हाथ से ही। वो आप अपने तितर को रोज़ाना खिलाएं, उससे भी इंशाल्लाह आपके तितर जो है वो बहुत अच्छी बुलाई करेगा। तो सिंपली आपने अगर दूसरे नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वही इस्तेमाल करें, अगर वो नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आप बाज़ार से जो है वो थोड़ा सा लूसन ले के आ जाएँ और उसके पत्थर जो होते हैं वो आप छोटे छोटे काट के वो अपने तितर को खिलाएँ, काले तितर को सुबह शाम खिला दें या एक टाइम खिला दें, तो उससे भी आपको तितर जो है वो उसकी बुलाई में जो है वो इजाफा होगा। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं काले तितर के बारे में इसी तरह के नुस्खे आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।